हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आई 17.3.1 स्टेबल अपडेट रिलीज़ हो चुका है और इंस्टॉल किया मैंने अपने आईफोन 14 पे। मैं आपको बताऊंगा इस अपडेट में क्या कुछ चीज़ें नई मिलती हैं और ये अपडेट आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पर इस अपडेट का साइज़ है 302.6 MB, 302.6 MB का ये अपडेट है आईफोन 14 में। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रख लीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। आपके पास कोई भी आईफोन है, 12, 13, 14, 15, अगर आपके पास है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आपके आईफोन के लिए कौन सा अपडेट बेहतर है। तो यहाँ पर 302.6 MB का अपडेट है मेरे आईफोन 14 में एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दिस अपडेट प्रोवाइड्स बग फिक्सेस फॉर योर आईफोन इंक्लूडिंग टेक्स्ट में अनएक्सपेक्टेडली डुप्लीकेट और ओवरलैप वाइल टाइपिंग। तो ये सीन क्या था गाइस, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, खासकर मेल में जब वो मेल टाइप करते थे तो टेक्स्ट का काफ़ी चक्कर लफड़ा रहता था कि यहाँ पर टाइप किया, काफ़ी जो है प्रॉब्लम आ रही थी टेक्स्ट में। तो वो हम लोगों के आईफोन में ये प्रॉब्लम थी नहीं है, सही बताऊँ तो बहुत ही कम लोगों को ये चीज़ महसूस हुई होगी, बट यहाँ पर ये मेजर प्रॉब्लम थी क्योंकि मेल वेल का सीन रहता है कुछ, अगर आप कहीं काम कर रहे हो अपने मैकबुक में तो ये प्रॉब्लम जो है सीरियस वाली थी। इसलिए यहाँ पर एप्पल ने अपडेट पुश किया है कि जो है ये चीज़ एप्पल यहाँ पर फिक्स कर दे। अब बात करते हैं क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 17.3 पहले अपडेट चल रहा था जिसका बिल नंबर था 21D50 एंड यहाँ पर अगर बात करूँ अवेलेबल स्पेस की तो वो था 98.75 GB का, और बात करें मॉडर्न फर्मवेयर तो वो था 2.20.06। बात करें आईफोन स्टोरेज का तो 17.3 डाटा था 11.04 GB, सिस्टम डाटा था 4.49 GB का। बात करें बैटरी हेल्थ तो 100% है क्योंकि नया फ़ोन है। अब चेंजेस क्या हुए हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अबाउट में और यहाँ पर जो बिल्ड नंबर है वो आपको नया देखने को मिलता है, 17.3.1 21D61, ये आपको एक नया बिल्ड नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बात करें अवेलेबल स्पेस की तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आपको ज़्यादा मिलता है, पहले 98 था अभी 99.11 GB हो गया है। तो स्टोरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर एप्पल ने फिक्स की है। बात करें मॉडर्न फर्मवेयर की तो 2.20.06, आई थिंक पहले भी यही था, कोई भी चेंजेस यहां पर जो है मॉडर्न फर्मवेयर में यहां पहले नहीं किया। जी हां, 2.20.06, तो यहां पर कोई भी चेंजेस आपको मॉडर्न फर्मवेयर में देखने को नहीं मिलते हैं। इट मींस दैट कि आपके आईफोन में अगर कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो वो बरकरार रहेगी और यहां पर एप्पल ने इस चीज को मेंशन भी नहीं किया है। बात करें आईफोन स्टोरेज का क्या सीन है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं iOS 17.3.1 11.04 GB और सिस्टम डाटा 4.06 GB का, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है कोई भी खास चेंजेस जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। सिस्टम डाटा में थोड़ा सा कम हुआ है, पहले 4.5 था अभी 4 हो गया है, तो ये वाला जो स्पेस था वो आपको अवेलेबल स्पेस में देखने को मिल गया है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आईफोन स्टोरेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर थोड़ी सी फिक्स होती हुई दिख रही है। बात करें बैटरी हेल्थ की तो 100% पहले भी थी, अभी भी 100% ही है। तो यहाँ पर बात करें अगर क्या कुछ प्रॉब्लम फिक्स की हुई है एप्पल ने, तो जैसे कि क्लॉक विजेट मैंने आपको बताया था कि जो है 17.4 में गड़बड़ कर रहा है मेरे आईफोन 13 में, बट यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। बट बात करें अगर नोटिफिकेशन वगैरह तो वो थोड़ा सा अभी डाउट लग रहा है, उसमें वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई क्योंकि नोटिफिकेशन से रिलेटेड जैसे आती थी तो वो थोड़ा सा एनिमेशन भी गड़बड़ कर रहा है, तो वो हल्की फुल्की जो प्रॉब्लम है वो अभी भी हैं। एप्पल ने इन चीज़ों को यहाँ पर मेंशन भी नहीं किया है एंड यहाँ पर वो फिक्स भी नहीं किया है। बात करें कनेक्टिविटी का क्या सीन है, तो मैंने आपको बताया मॉडर्न फर्मवेयर चेंज नहीं हुआ है, तो हो सकता है जो प्रॉब्लम अभी भी है 17.3 में वो इस अपडेट में भी बनी रहे। परफॉर्मेंस तो दिखने में ठीक ठाक लग रही है, बट यहाँ पर मैंने कुछ स्कोर्स गीकबेंच 6 के निकाले हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीपीयू हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने किया था 29 जनवरी को, तो जब सिंगल कोर था 2302, मल्टी कोर था 5732, 17.3 स्टेबल अपडेट में। अभी गाइस जो है 9 फरवरी, आज सुबह ही मैंने किया है, तो 17.3.1 जिसका यहाँ पर सिंगल कोर निकल के 2239, मल्टी कोर है 5778। क्या है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो मल्टी कोर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है 5778, यहाँ पर 5732 था एंड यहाँ पर बात करें सिंगल कोर 2302 और यहाँ पर कितना था गाइस 2239।
तो जो सिंगल कोर है वो कम हो गया है, मल्टी कोर थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, बात करें अगर हम जीपीयू स्कोर की, तो आप लोग देख सकते हैं जीपीयू स्ट्रीम में जाके 29 जनवरी को क्या था, 20,543 और अभी है 20,468। कुल मिलाकर बात ये है कि परफॉर्मेंस स्लो होने वाली है, ये एप्पल करता ही रहेगा जब तक जून आएगा, मतलब iOS 18 जो है जून में आएगा, परफॉर्मेंस की धज्जियाँ उड़ने वाली हैं। काफ़ी टाइम से आप लोगों को बता रहा हूँ मैं कि जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आएगा धीरे धीरे परफॉर्मेंस जो है अभी ये बढ़ भी जाएगी, अभी कोई स्टेबल अपडेट जाएगा 17.4 वाला तो हो सकता है अच्छी मिल जाए, बट यहाँ पर परफॉर्मेंस ओवरऑल मैं फाइनल यही बोलना चाहूँगा एक शब्द में कि परफॉर्मेंस धीरे धीरे स्लो ही होने वाली है, ये आप लोग याद रखिएगा। कैसे मैं बता रहा हूँ, 25 नवंबर को गाइस 17.1.1 में मैंने इसका जब टेस्ट किया था जीपीयू मेटल स्कोर का 22,902 था, और यहाँ पर इसकी अगर हिस्ट्री आप लोग चेक कर सकते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे कम ही हुआ। एक बार यहाँ पर 20 दिसंबर को थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था, बट यहाँ पर ओवरऑल आप लोग देख रहे हैं स्ट्रेस की ये कम ही हो रहा है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम मैं कह सकता हूँ कि है कि परफॉर्मेंस धीरे धीरे आईफोन 14 की भी कम हो रही है। बात करेंगे इस बैटरी लाइफ की कैसी है, बैटरी बैकअप कैसा है, तो अभी मैं नहीं बता सकता, इसका मैं प्रॉपर रिव्यू करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि आईफोन 14 की बैटरी लाइफ कैसी है 17.3.1 स्टेबल अपडेट में है, और आपको ये अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रख लेना गाइस, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाए। बाकी आपके माइंड में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।